मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ भोपाल के जंबूरी मैदान में आपत्तिजनक नारेबाजी करने वाले असामाजिक तत्वों की पुलिस ने धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिस ने हरियाणा के ओकेंद्र राणा को उसके घर से गिरफ्तार किया है। राणा ने पुलिस की प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि भोपाल के जंबूरी मैदान में 8 जनवरी से शुरू हुए करणी सेना परिवार 21 सूत्रीय मांगों का समर्थन देने वो भोपाल पहुंचा था। इस दौरान उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की थी। इसका उसने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के अलग अलग ग्रुप में वायरल कराया। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। सर, करणी सेना के जो जिसपे FIR दर्ज की गई थी मुख्यमंत्री के खिलाफ अपहृद भाषा का जिसने इस्तेमाल किया, तो गिरफ्तार कर लिया गया। कहाँ से गिरफ्तार करा, कौन सज्जन था ये सज्जन? ये दुर्जन है, एक एक्यूज है जो हमारे यहाँ थाना पिपलानी में अपराध पंजीयन हुआ है। इसके खिलाफ 7-8 जनवरी की दरमियान जब उग्र विशाल आंदोलन हुआ था करणी सेना का, उसमें ये भिवानी हरियाणा से आया था जिसका नाम ओमकार राणा और ओकेंद्र राणा मूलतः लिखता है, ये उर्फियत में इसका और भी नाम है। ये ओकेंद्र राणा जो है सन ऑफ मित्रपाल सिंह, इसके द्वारा उस समय अश्लील अभद्र टिप्पणी करके जातिगत विद्वेष और सामुदायिक द्वेष उत्पन्न करके शहर में कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित की थी। इस विशाल जन समुदाय के आगे इसने जिस तरीके की भाषा को उपयोग किया, जिस पर 153A 294 34 IPC के केस रजिस्टर्ड हुआ है। विशेष टीम हमारे जोन 2 थाना पिपलानी और गोविंदपुरा के स्टाफ की बना के भेजी थी, इन्हें पुलिस कस्टडी में इसको भिवानी हरियाणा से ले लिया है, जल्दी इसकी भोपाल पहुंचने वाली है। तो क्या इसने कबूल करा है कि इसने कौन लोग इसके साथ थे? हाँ, सब क्लियर है, मैटर पूरा क्लियर है, पूरी वीडियोग्राफी है और जो भी लोग हैं इसके साथ वो भी जल्दी गिरफ्तार होंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।